मध्य प्रदेश के इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट की वारदात जितनी फिल्मी थी उससे कहीं तेज इंदौर पुलिस निकली। इंदौर की पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट की वारदात का 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 1100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, रात भर अभियान चलाया और उसके बाद आरोपी के घर तक पुलिस जा पहुंची और पुलिस ने मौके से 3 लाख रुपए, जूते, रेनकोट, बंदूक और कई अहम सामान जो है जब्त किए। हालांकि आरोपी पूरे मामले के बाद फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए अपना अभियान तेज किया हुआ है। पुलिस ने आरोपी के घर तक की तलाश के लिए रात भर अभियान चलाया और 1100 से ज़्यादा सीसीटीवी को खंगालते हुए आरोपी के घर तक पहुंची। हैरान करने वाली बात है कि आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सबसे पहले अपना पुराना कर्जा उतारा। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था उनको उस राशि को लौटाने का काम किया और घर वालों के साथ 50,000 रुपये का LED खरीदा और उसी के बाद से आरोपी घर से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ करने के लिए टीमों का गठन किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात के बाद इंदौर शहर के गली मोहल्लों में जाकर घूमा और उसके बाद वो घर पहुंचा। रात भर अभियान चलाने के बाद पुलिस ने घर घर की चेकिंग करने के बाद बाइक की पहचान होने के बाद आरोपी के घर तक पहुंचने का काम किया और इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो आरोपी है वो एक्स आर्मी मैन है, वो सेना में रह चुका है, लेकिन शराबखोरी और स्वास्थ्य के कारणों से उसे सेना से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद उसने एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और पंजाब नेशनल बैंक के पास ही एक दुकान पर भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और इस बात का पता जो है आर्मी एक्स आर्मी मैन को था कि जो बैंक है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। उसने बैंक की रेकी की और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अफसरों का, आप भी सुनिए। न्याय नगर पुलिया से होते हुए ये क्योंकि इसका घर श्याम नगर में पड़ता है, ये पुलिस को भटकाने की मंशा से इसने गोल गोल घूमकर कई गलियों का इस्तेमाल किया जहाँ से ये पुलिस को चकमा दे सके। न्याय नगर से निकलते हुए ये लवकुश मार्ग पर गया, लवकुश मार्ग से फिर रविदास मार्ग पर गया, वीणा नगर गया, उसके बाद में ये वीणा नगर की गलियों में घूमते घूमते अपने घर की तरफ जा रहा था जहाँ पर हमको फुटेजेस के माध्यम से इसकी आखिरी लोकेशन पता चली, जिसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन रहा है उसके बाद हम इसकी घर की आइडेंटिफिकेशन करने में सक्सेस हो गए। पहले उसने चकमा दिया, कई गलियों में घूमा और कई गलियों में घूमने के बाद जहाँ जाकर पुलिस को ये लगा कि इसकी लोकेशन अब लास्ट है, इसके बाद नहीं मिल रही है, वहाँ पुलिस ने इसके बाद रात में एक एक गाड़ी की तलाशी ली उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरी गलियों में कि कहाँ कोई वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी होती थी। बहरहाल बैंक लूट के मामले का पुलिस ने बहुत तेजी के साथ से पर्दाफाश किया है, लेकिन आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है और उम्मीद इसी बात को लेकर है कि जिस तेजी के साथ इंदौर की पुलिस ने आरोपी के घर तक पहुँचने का काम किया है जल्दी आरोपी पुलिस की हिरासत में होगा। इंदौर और भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।